नमस्कार। मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। माता बगलामुखी 10 महाविद्या में से एक महाविद्या मानी जाती हैं। ये तुरंत इच्छा पूरी करने वाली, हर तरह का विवाद को नष्ट करने वाली, हर तरह के क्लेश को नष्ट करने वाली, पारिवारिक सुख को बढ़ाने वाली, सुख समृद्धि देने वाली माता मानी जाती है। इसलिए इस मंदिर के निर्माण में आपके सहयोग की आवश्यकता है। शुरुआत में ईंट और पत्थर के रूप में भी आप दान कर सकते हैं, या आप किसी भी रूप में सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा 80G के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में कामाख्या कामरूप साधना होने जा रही है। इसमें माता कामेश्वरी के सभी स्वरूपों के साथ भगवान उमानंद भैरव की उपासना भी की जाती है। ये साधना संतान प्राप्ति, मनपसंद साथी की प्राप्ति के लिए, साथ ही हर तरह का सुख ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए की जाती है। इनकी साधना से मनुष्य के सभी प्रकार के पाप नष्ट होकर मनोकामना पूर्ण होती है। इनकी कृपा से मनुष्य तेजी से तरक्की करता है, प्रचंड रूप से शत्रु पर विजय प्राप्त करता है, हर तरह के तंत्र के प्रभाव से मुक्ति मिलती है, पीठ पीछे से शत्रु अपना प्रभाव नहीं डाल पाते, सांसारिक जीवन में आने वाली सभी समस्या का समाधान होता है तथा चारों दिशाओं से धन की रुकावट को दूर कर शत्रु व तंत्र बाधाओं से आपकी सुरक्षा होती है। धन वृद्धि के स्रोत बढ़ने शुरू हो जाते हैं। नौकरी, व्यापार, दुकान धंधे में तरक्की के साथ विवाद क्लेश नष्ट होकर पारिवारिक शांति मिलती है। इसमें भाग लेने के दो तरीके हैं। एक तो शिविर में आकर आप साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज चर्चा करने जा रहे हैं सावन महीने में सोमवार के दिन या फिर किसी भी दिन खास प्रकार का प्रयोग करते हैं पान के पत्ते पर, तो जितनी प्रकार की आर्थिक मंदी चल रही है, धन की रुकावटें चल रही हैं, व्यापार का बंधन चल रहा है, दुकान धंधे का बंधन चल रहा है, नौकरी का बंधन चल रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि उसमें आपको लाभ मिलता जा रहा है, वो जो ब्लॉकेज है वो कटना शुरू हो जाता है। शत्रु के द्वारा कोई परेशानी चल रही है तो उसका उच्चाटन हो जाता है। कोई ना कोई घर में बीमार रहता है तो आपको लगेगा कि जैसे अब उसमें लाभ मिलना शुरू हो गया है, बीमारी ठीक होने लगी है, इस तरीके से आपको अनुभव मिलने शुरू हो जाएंगे। कभी कभी ऐसी बीमारियां होती हैं जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता, उसका कोई उपाय भी समझ में नहीं आता, क्योंकि मेडिकल तरीके से उस बीमारी की पकड़ नहीं हो पाती, तो ऐसी बीमारियां भी इसमें लाभप्रद मानी जाती हैं। क्योंकि श्रावण महीना बहुत ही खास माना जाता है, भगवान शिव का दिन माना जाता है, तो भगवान शिव जो है आयुर्वेद के भगवान भी माने जाते हैं और गृहस्थ जीवन के देवता भी माने जाते हैं। गृहस्थ जीवन में एक इंसान को क्या चाहिए होता है? अगर आप गृहस्थ जीवन में सुखी हैं तो अच्छी बात है, लेकिन गृहस्थ जीवन में कोई प्रॉब्लम है तो पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। क्योंकि अगर आपका पारिवारिक जीवन में क्लेश है तो आप सुखी नहीं है, आपकी विवाहित जीवन में क्लेश है तो आप सुखी नहीं है, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है तो भी आप सुखी नहीं है, आप बार बार बीमार होते हैं तो भी आप सुखी नहीं है, शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो भी आप सुखी नहीं है, बच्चे नहीं हो रहे हैं तो भी आप सुखी नहीं है, पत्नी से अनबन है तो भी आप सुखी नहीं है, काम धंधे में अड़चने चल रही है तो भी आप सुखी नहीं है, तो गृह जीवन में ये आम अड़चने मानी जाती हैं। तो इस दिन अगर श्रावण के दिन खास प्रकार का प्रयोग किया जाए पान के पत्ते पर, तो ये माना जाता है कि इस तरह के जो दोष होते हैं उनका निराकरण होता है, ये दोष शमन होता है, दोष का शांति मिलती है और इससे आपको लाभ मिलता है, आपके लिए नए स्रोत, धन के स्रोत खुलने शुरू हो जाते हैं। यानी आप मेहनत तो करते हैं लेकिन आध्यात्मिक इम्प्रूवमेंट भी अगर करें, मेहनत के साथ में आध्यात्मिक कर्म भी करें, तो दोनों चीजें मिलकर आपको सफलता की ऊंचाई पर ले जाते हैं। आप खाली अगर ये सोचेंगे कि मैं खाली ये प्रयोग करूंगा तो मेरे पास धन की समस्या खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। कर्म तो आपको करना ही है, कर्म करेंगे तो ही ये जो आध्यात्मिक कर्म चैतन्य होता है, तो इसलिए ये जो प्रयोग है ये चैतन्य तब होगा जब इसके साथ में आप कर्म करेंगे, कर्म नहीं करेंगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो लेकिन कर्म तो आप करते ही, हर व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन उसके साथ में जब ये प्रयोग भी करते हैं तो आपको लगेगा कि बेनिफिट थोड़ा जल्दी मिल रहा है।
जो दुख बहुत ज्यादा था वो कम हो रहा है, जो समस्याएं जो चिंता बहुत ज्यादा हो रही थी किसी विषय पर वो कम होती चली जा रही है, ऐसा आपको महसूस होगा। तो ये पान का एक खास प्रयोग करते हैं। पान दो तरह के होते हैं, खाने वाले भी होते हैं, पूजा के लिए भी होते हैं, पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप देख लीजिए जहां भी आप रहते हैं पहले से एक दिन पहले से पान ले लीजिए, पूजा के पान कहे जाते हैं, भारत में हर जगह उपलब्ध है, विदेश का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर वहां भी देखा जाए तो मिलेगा। तो अगर पूजा के पान नहीं मिलते हैं तो जो खाने वाले पान होते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन पूजा के पान जरा इफेक्टिव माने जाते हैं, तो वो पान आप ले लें। आप एक पान, तीन पान या पांच पान, ज्यादा करके एक ही पान लेते हैं। तो एक पान लेते हैं, उसको पानी, कच्चे दूध पानी से धोकर अपने सामने रखते हैं, पानी कच्चे दूध पानी से धोकर अपने सामने रखते हैं, ये आपको करना है। इसके बाद सामने आप बैठ जाइए, ढीले ढाले कपड़े पहनकर सामने बैठ जाइए और ब्लू ब्लैक कपड़े न पहने। इसके बाद लिंग मुद्रा लगाएं, लिंग मुद्रा ऐसी होती है, ये देख लीजिए इस तरीके से, दोनों आंखों के बीच में यहाँ पर आगे चक्र पर ध्यान दें और इस तरीके से मुद्रा लगाएं। आप ऐसे भी कर सकते हैं और या ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये मुद्रा लगाएं, आगे चक्र पर ध्यान दें, 10 बार आप प्राणायाम करें, यानी ऐसे जितनी देर हो सके रोक रखें, फिर धीरे से छोड़ें, फिर जोर से खींचें। इससे 10 बार आप प्राणायाम करें, 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र आपको जाप करना है, और वो मंत्र है रोम रोम, जो भगवान शिव का बहुत ही खास बीज मंत्र माना जाता है। तो ये मुद्रा लगाकर रोम 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 रोम, ये बीज मंत्र का जाप करना है। 10-20 मिनट तक मंत्र का जाप करना है, बस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 10-20 मिनट ये मंत्र का जाप करें, और 10-20 मिनट मंत्र का जाप करने के बाद अष्टगंध से, ये आसानी से मिलता है, अष्टगंध नहीं मिले तो सामान्य जो हल्दी पाउडर है पानी में या गंगा जल में डालकर उसकी थोड़ी सी स्याही बना लें, अगरबत्ती की कलम से या कनेर की कलम से, कनेर की कलम नहीं है तो अगरबत्ती की कलम है, अगरबत्ती की जो लकड़ी होती है उससे हल्दी की स्याही से पान के पत्ते पर रोम बीज मंत्र लगा बनाए, रोम बीज मंत्र बनाए, यानी कि आप देख लीजिए मैं फिर से बता देता हूँ, ये रोम बीज मंत्र है, पान के पत्ते पर आपको बनाना है, पान के पत्ते पर रोम बीज मंत्र बनाना है। इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे HROUM, HROUM आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, या फिर संस्कृत में लिखें रोम 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 रोम, और मन में ये मंत्र का जाप आपको करते रहना है, ठीक है, तो मन में मंत्र का जाप करते रहना है बस, और ये आपका हो गया। जो रोम लिखा हुआ जो बीज मंत्र जो पान के पत्ते पर रखा है, ये आपको किसी भी सोमवार के दिन या फिर श्रावण में किसी भी दिन आप जाकर भगवान शिव के चरणों में मंदिर में आप रख दें, और बस अपने लिए ईश्वर का कृपा का आशीर्वाद मांगे, बल्कि ये न मांगे कि मेरी ये समस्या दूर हो जाए, हे ईश्वर आपकी कृपा हम पर हमारे परिवार पर बनी रहे, ये मन में सोचकर ये मनोकामना करके, और जो पान का पत्ता है शिव मंदिर में चढ़ा दें बस, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। शिव मंदिर नहीं है आपके आसपास तो मन में ये मनोकामना करके इसको पानी में विसर्जित कर दें, आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरे घर की दरिद्रता निकल गई है, घर की अड़चने निकल गई है, घर का क्लेश बाधा तनाव टेंशन ये कम हो गया है, ऐसा आप महसूस करेंगे। तो ये श्रावण महीने में बहुत 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 काम आता है, श्रावण महीने में ये प्रयोग आपको करना ही चाहिए, भगवान शिव की आराधना से ये प्रयोग करने से गृहस्थ जीवन में आने वाली जितनी भी प्रकार की अड़चने होती है सबका समाधान होता है, मन शांत होता है, मन को एक प्रकार का मोक्ष मिलता है, सहन शक्ति बढ़ती है, आपकी काम करने की जो एबिलिटी है, काम करने की योग्यता है वो बढ़ती है, पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ता है, सकारात्मक विचार बढ़ते हैं, संकल्प शक्ति बढ़ती है, इससे आपको लाभ कई कई गुना ज्यादा मिलता है। अब इसके नियम, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, 18 वर्ष के ऊपर महिलाएं कर सकती हैं, पुरुष कर सकते हैं, महिलाएं मासिक धर्म में अलाउड नहीं है उन्हें करना, और जब
ये आप प्रयोग करें तो आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ हो। वैसे सुबह शाम दोपहर कभी भी कर सकते हैं, रात को करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा ब्लू ब्लैक कपड़े पहनकर ये प्रयोग ना करें, ये आप ध्यान दें और आपका अभ्यास हो गया। जब कुछ करना है इसको किसी भी सोमवार को किया जा सकता है या श्रावण में किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन श्रावण में चार सोमवार हैं तो चारों सोमवार को करें तो अच्छा है, नहीं तो एक सोमवार करेंगे तो भी अच्छा है, ये आपके ऊपर है। तो इस तरीके से ये प्रयोग करें, आपको ऐसा लगेगा जैसे मन की मुराद पूरी हो रही है। क्योंकि देखिए मुहूर्त किसी का इंतजार नहीं करता, मुहूर्त के साथ चलना होगा, समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय के साथ आपको चलना ही होगा, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं माना जाता। तो ये प्रयोग करें, इसका फायदा उठाएं, फायदा मिलता है तो दूसरे की बिना स्वार्थ के मदद जरूर करें, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। धन्यवाद।